प्रद्युमन के समर्थन में युवा एकजुट, राज्य मंत्री राठखेड़ा पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 आने में अभी वक्त है, लेकिन पार्टियों और उनके दावेदारों ने हुंकार भर दी है। न केवल दावेदारों ने हुंकार भरी है, बल्कि उनके समर्थन ने भी पूरे जोश के साथ और एकजुटता के साथ मैदान में आकर अपने नेता के लिए एकजुटता का संदेश देना शुरू कर दिया है। खबर पौरी विधानसभा क्षेत्र से है। यहाँ भी वही स्थिति है, हर एक विधानसभा में हर एक राजनीतिक दल से एक अनार सौ बीमार की स्थिति बनी हुई है। सभी पार्टियों में दावेदारों की एक लंबी फेहरिस्त है। पौरी विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में दावेदारों की कमी नहीं है। नगर परिषद बैराड़ के गोल पहाड़िया स्थित मंदिर पर पौरी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने एकत्रित होकर कांग्रेस नेता और पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रद्युमन वर्मा के समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया। युवाओं ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस नेता प्रद्युमन वर्मा को चुनाव में पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व में कहा कि यहाँ पर वही युवा टीम उपस्थित है जिन्हें किसी से भी डर नहीं लगता। जिन लोगों को किसी से डर लगता है वह इस मीटिंग में आए ही नहीं है, और हम डरे भी क्यों, क्योंकि 206 हड्डियाँ और खून सब में समान है। युवाओं की एकजुटता आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और आघोषित प्रत्याशी सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के लिए मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि ये वही युवा टीम है जिसने 2018 में और 2020 में दोनों ही बार सुरेश धाकड़ के लिए जमीनी स्तर पर पसीना बहाकर जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका निभाई है। इस युवा टीम में वही युवा शामिल थे जो कहीं ना कहीं बीते समय में राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ के बड़े पुत्र जीतू धाकड़ की टीम में शामिल थे, और उन्होंने जीतू के साथ मिलकर अपना पसीना बहाकर गांव गांव और गली गली पहुंचकर सुरेश धाकड़ को जीत दिलाने में पूरी मदद की थी। लेकिन एक एक करके ये सभी युवा दरकिनार होते गए और आज वे उस पार्टी को छोड़कर प्रद्युमन वर्मा के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। धर्म के युवा इस टीम में शामिल थे जो प्रद्युमन वर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए संकल्प लेते दिखाई दिए। संवाददाता पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। किसी भी अवस्थाओं को तीन चरणों से गुजरना पड़ता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जब अपन ये करेंगे, जब ज्यादा हो जाएंगे तो विरोध करना चालू कर देंगे, फिर अंत में मान लेंगे कि भाई हाँ कि नहीं, युवाओं में जोश है। जैसा कि अभी कहा कि अपना पौरी विधानसभा ही, यहाँ सभी समाज के वर्ग के बच्चे बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा कि अपने घर में छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको पढ़ाई लिखाई पे पहले ध्यान दें, क्योंकि यही एक ऐसी ताकत है जिससे आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऊपर सरकारी योजनाओं में आप लोगों के लिए क्या दे रही है सरकार, और इसलिए आपके हक को कौन चुरा रहा है, कौन मार रहा है। ये चीज की जानकारी आपको केवल पढ़ाई से ही आएगी। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने परिवार में